अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लूप से रिलेटेड। और लूप हमारे पास उस वक्त प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं जब हमने किसी भी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करवाना हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास चार लाइनें हैं, पांच लाइनें हैं यूज़र से इनपुट लेने की। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे पास तीन यूज़र्स का डेटा है, नाम, रोल नंबर और एड्रेस। अब एक तरीक़ेकार तो ये है कि मैं उसको प्रिंट करूँ अलग अलग, जैसे कि मैं पहले उसको सी आउट करवाऊं कि भाई पहले स्टूडेंट का आप डेटा डालें, फिर दोबारा सी आउट करवाऊं, फिर दोबारा सी इन करवाऊं। इस तरीके से मेरे पास कितनी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स हो जाएंगी। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास छः लाइन ऑफ कोड एक स्टूडेंट के लिए हैं, तो इस तरीके से मुझे 18 लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ जाएंगी तीन स्टूडेंट का डेटा इनपुट लेने के लिए। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास लूप्स। लूप का मकसद ये है कि किसी भी लाइन ऑफ कोड को बार बार वो रिपीट करता रहे जब तक के कंडीशन मैच नहीं हो जाती। कंडीशन मैच हो जाने का मकसद ये है कि मैंने लिख दिया कि ए इज़ लेस देन 3। अब वो पहली मरतबा इनपुट लेगा तो ए 1 हो जाएगा, दूसरी मरतबा इनपुट लेगा तो 2 हो जाएगा, तीसरी दफ़ा इनपुट लेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलते हुए हमारे पास ये काम कर सकता है। इनिशलाइज हो जाएगा, ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर है कि पहले इनिशलाइज होता है, फिर उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करता है। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इनिशियलाइज़ हुआ, उसने कंडीशन को चेक किया, अगर तो कंडीशन मैच हो जाती है। जैसे ए की वैल्यू अभी मैंने लिखी, ए जो है वो बराबर है 0 के, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए इज़ लेस देन 3, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इसने लाइन ऑफ कोड जितना भी लिखा हुआ था वो सारा का सारा एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर आकर के लिख दिया ए इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, जैसे ही ए इज इक्वल्स टू 3 होगा ये फ़ौरन से एग्जिट करके लूप से बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं लूप की। लूप जो है हमारे पास बेसिक टू टाइप के होते हैं, एक प्री टेस्ट होता है और एक पोस्ट टेस्ट होता है। प्री टेस्ट का मतलब ये है कि वो सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद जितने भी लाइन ऑफ कोड उसके ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसके हमारे पास दो तरीके कार लिखने के, एक है फॉर लूप और एक है वाइल लूप। इसी तरीके इसके बाद हमारे पास आता है एक पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट का मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी कोड को एक बार बिना टेस्ट कंडीशन चेक किए एग्जीक्यूट कर देना चाहें तो ऐसी जगह के ऊपर हमारे पास लगता है डू वाइल का स्टेटमेंट। डू वाइल का लूप लगेगा जो कि ये चेक करता है एक दफ़ा एग्जीक्यूशन करने के बाद कोड को, यानी मैं कहता हूँ कि मैंने इनपुट देनी थी, मैं यहाँ पे देख देता हूँ, मैंने ए इज इक्वल्स टू 1 करा और डू लगा दिया। इस वक्त ये कंडीशन फॉल्स है, ए जो है वो 1 के बराबर है, और डू वाइल के अंदर कंडीशन लिखी हुई है कि ए का जो है वो बड़ा होना, ए की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए 3 से, जबकि यहाँ पर क्या है, जैसे ही वो इसके ऊपर आएगा इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, यहाँ अगर क्या देखेगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब जैसे ही दोबारा ऊपर जाता है ये इसको क्या कर देगा, यहाँ से बाहर भेज देगा। ठीक है, ये है हमारे पास पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट का फ़ायदा सिर्फ ये है कि कोई कोड ऐसा हमारे पास हमने जनरेट करना हो जिसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट किया जाए सिर्फ, और उसके बाद वो ये चेक करे आया कंडीशन ट्रू होती है या नहीं, पहली मरतबा एग्जीक्यूशन उसको करवा देनी चाहिए। ऐसी जगह के ऊपर हमारे पास पोस्ट टेस्ट लगता है जहाँ पर हमने कंडीशन डिपेंडेंट होकर के हमेशा ही एग्जीक्यूशन करनी हो कंडीशन चेक करते हुए, कि एक भी दफ़ा बिना कंडीशन चेक किए ना चले, उस जगह के ऊपर हमारे पास चलता है फिर प्री टेस्ट लूप। ठीक है, ये तो इसकी थ्योरी हो गई। अच्छा जी, अब हम अपना प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है इस वक्त। सबसे पहले हम हमेशा की तरह लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे।
अब मुझे अगर इसी तरीके से चार इनपुट लेनी हो तो मुझे 1 2 3 4 5 टोटल मेरे पास लाइन ऑफ कोड हो गई 8। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमारे पास 8 लाइन ऑफ कोड्स इस्तेमाल हो गई एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल इनपुट्स लेने के लिए। ठीक है, ये विदाउट लूप था और इसका एक काम और अब हम लूप के साथ करते हैं। फोर, अच्छा फोर का लूप क्या काम करता है, फोर के लूप के अंदर सबसे पहले है इनिशियलाइज, फिर उसके बाद लाइन टर्मिनेटर, फिर कंडीशन, फिर लाइन टर्मिनेटर, फिर इंक्रीमेंट। अच्छा, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट ये दोनों ऑप्शनल पैरामीटर हैं फोर के लूप के। अगर हम इसको ना भी लिखें और इसको ना भी लिखें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ लिखना लाजमी है, ये फोर के लूप का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको फोर का लूप लिख के बताता हूँ। फोर, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवा दिया बी, उसमें वैल्यू भी डिक्लेयर करवा सकते हैं लूप के अंदर रहते हुए ही। बी इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं अगर बी ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है, और आई एन टी बी इज इक्वल टू 0 फोर के लूप के अंदर भी लिख सकते हैं। बी इज़ लेस देन 4 किया मैंने, ठीक है, लेस देन 4 क्यों किया, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और बी प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब मैं सी आउट करवा देता हूँ ए को हैंडल करके। अब मुझे 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, कितनी बार प्रिंट किया, 1 2 3 4 4 बार। ये हमारे पास एक लाइन, ये दो लाइन, इससे हमने क्या काम कर लिया, जो काम हम यहाँ पर ये कर रहे थे इसको हम उठा करके इसमें डाल देते हैं। मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ। अब जो काम हम यहाँ पर करवा रहे थे वो हमने सिर्फ इन दो लाइनों में ही करवा लिया। जो काम ऊपर 8 लाइनों में हो रहा था वो इस वक्त हमें, जो काम ऊपर हमारे पास 8 लाइनों में हो रहा था वो हमने उसको छोटा करके 3 लाइनों में कन्वर्ट कर दिया। 2 लाइन ऑफ कोड आ गए, एक हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई, जिस जो हमारे पास स्ट्रक्चर था उसके हवाले से। ये था हमारे पास फोर के लूप का स्ट्रक्चर। अल्लाह हाफिज़।